तो मैं अनुराधा रागनी, अनुराधा गोपाल गजवाली, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल मदन भैया के साथ रानीगंज, रानीगंज रहरिया में। और किन से मिलने जा रहे हैं हम लोग? आरती से। आरती छोटू मोनू जी से मिलने। तो मतलब छोटू जी के घर पे ही हम लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कि आरती कैसी है और क्या हो रहा है। तो हम लोग पटना से चल करके आए हुए हैं, तो भैया लेकर के भी जा रहे हैं, अभी भैया के घर पे हैं हम लोग गिदवास में, लक्ष्मीपुर में। फिर आगे दिखाते हैं चल करके वहाँ। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, बने रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, देखिए भैया बाइक चला रहे हैं और जानवी पीछे बैठी हुई है। हम लोग रवाना हो चुके हैं आरती के घर पे, वहाँ पहुँच करके आप लोग को दिखा रहे हैं, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों अभी फिलहाल में हम रानीगंज पहुँच चुके हैं, अभी पेट्रोल पंप के पास में भैया वहाँ पे तेल ले रहे हैं। अब यहाँ से रवाना होंगे रहरिए के लिए, क्योंकि अब आरती के घर के जस्ट बगल में हम लोग पहुँच चुके हैं, फिर आपको वहाँ से लेकर के आरती से मिलवाते हैं। आरती जी के घर पे तो अभी जा रही है दीदी मिलने। और है आरती जी, मुनी जी। ये जो प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा ही बोलेगा, गुलाब का तेल अच्छा है। गाइस तो यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हो रही हैं छोटू जी के घर पे, रो रहे छोटू जी, आरती जी। थोड़ा सबको ही हाय कर दे एक बार, सबको ही हाय कर दो। ये रहे छोटू जी, आरती जी, थोड़ा हाय कर दीजिए। तो अभी वो व्यस्त है दोनों आपस में, थोड़ी देर बाद से मिलते हैं, कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। जाइए आ जाइए, मस्ती कर रहे हैं आज। ये रही आरती जी, मोनू जी, थोड़ा हाय कर दीजिए सब लोग। कोई बात नहीं, हम घर का फोटो ले रहे हैं सबसे पहले, उसका फोटो अच्छा आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा घर है। ये रहे सारे लोग यहाँ, ये रही मम्मी, रो रही आरती जी। चलिए फिर आगे मिलाते हैं, बातचीत कर रहे हैं। आरती जी और पहुँच चुके हैं, आए थे भैया के घर घूमने, तो सोचे कि यहाँ भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास में खड़ी है आरती जी और मोनू भैया, यहाँ भी कुछ बोल दिए। इतना दूर से हम लोग गोपालगंज से चल करके आए, गोपालगंज कहाँ पास में, बाप रे 12 घंटा 16 घंटा का रास्ता है, आते आते थक गए पता। तो मेरा सोचे कि इधर आए तो आप उसे मिल करके जाएँ, तो आप लोग से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जाइए मेरे यहाँ, स्वागत है। तो देखिए अभी मेरे पास दीदी आए हैं बहुत दूर से, यहाँ से बहुत दूरी पे है, हम ऐसे मजाक किए और दूर पे जाने में मजा ही कुछ अलग होता है ना। तो सभी लोग आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए दीदी को और प्यार दुलार देते रहिए। और यहाँ पर है मेरी मम्मी, आरती जी की सासू माँ और मोनू भैया की मम्मी, तो इनको भाई बोले तो ये तो मेरी भी मम्मी हुई ना, बिल्कुल। तो फिर आप लोग से मिलेंगे अगला वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और अभी जो मेरा कैमरा कर रहे हैं मदन यादव कला जथा कलाकार, आप लोग के अररिया के ही हैं, आप लोग जानते हैं अमर आनंद जी को, उन्हीं के छोटे भाई हैं जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं इधर के अररिया जिले, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट कीजिए। बस हम यही कहेंगे, दूसरा क्या कह सकते हैं, छोटे मोटे कलाकार बस भाई से मिलने चले हैं, आने की तो हिम्मत नहीं थी इतना, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं आने की। भाई कोई भी भाई ही होता है, समय एक एहन एलै मोर जी समस्या घटना घटलै,
जब तक जिनकी माता रोगी है हमेशा के लिए याद वो हमेशा ऐसे करता है, लेकिन बिसर जाता है जो चीज थोड़ा सा अलग रहता है, तो बिसर जाना ही सबसे बड़ी बात है। एक लड़का है ना, ये भैया है ना, और आपके लड़के है ना, उन्हीं को लेकर के सब लड़की दोनों बच्चा के मतलब एकरा से वो दोनों भाई छोड़ छोटू, इन्हों को संतोष करके रखे, जो सामने में है वही अपना है, जो देखिए यहाँ से चला गया वो अपना नहीं होता कभी भी। अपने कहानी सुना कि अर्जुन का भी बेटा भीम का था, वो भी बोला सीधा कि कभी तू भी मेरा बाप।